हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर दमन बेनीपाल प्रेजेंटिंग यू डेली करंट अफेयर्स कवरिंग ट्वेंटी थर्ड जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यू पी एस सी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सो लेट्स बिगिन विद इट तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट केरला बर्ड एटलस। केरला बर्ड एटलस इंडिया का अपने आप में पहला ऐसा स्टेट लेवल बर्ड एटलस है जिसके अंदर केरला में जो मेजर हैबिटेट्स हैं वहाँ पे बर्ड स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन उनकी अबंडेंस का एक सॉलिड डाटा तैयार किया गया है एंड ऐसे डाटा जिसके अंदर बर्ड स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन अबांडेंस उनके हैबिटैट की इंफॉर्मेशन दी गई है दिस इज़ गोइंग टू बी यू नो वेरी इम्पोर्टेंट एम्पिटिस फॉर द फ्यूचर स्टडीज एज़ वेल केरला बर्ड एटलस को बेसिकली सिटीजन साइंस ड्रिवेन एक्सरसाइज के जैसे कंडक्ट किया गया इसमें बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी के मोर दैन थाउजेंड वॉल्टियर्स ने पार्टिसिपेट किया सो केरला बर्ड एटलिस इसको बेसिकली सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज के जैसे कंडक्ट किया गया और साथ ही में इसके अंदर जो बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी है उसके मोर देन थाउजेंड वॉलेंटियर्स ने इसमें पार्ट लिया तो इस एटलिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली सिस्टमैटिक सर्विस कंडक्ट किए गए फ्रॉम 2015 थाउजेंड फिफ्टीन टू टू थाउजेंड से लेकर टू तक हर साल यहाँ पर सर्वे कंडक्ट किए गए साल में दो बार स्टडी की गई और दोनों बार 60 डेज़ के पीरियड को एनालाइज़ किया गया 60 डेज़ ड्यूरिंग वेट टाइम एंड 60 डेज़ ड्यूरिंग ड्राई टाइम ना वेट पीरियड क्या है जब केरला में रेनफॉल होती है दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर तो इस दौरान 60 डेज़ के टाइम स्पैन के अंदर देखा गया कि ओके वेट सीजन के दौरान स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है एंड सिमिलरली ड्राई पीरियड जो आता है फ्रॉम जनवरी टू मार्च वहाँ पे भी स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया गया तो 2015 से लेकर 2020-20 तक हर साल दो बार सिस्टमैटिक सर्वे कंडक्ट किया गया ड्यूरिंग वेट पीरियड एज़ वेल एज ड्यूरिंग ड्राई पीरियड केरला की जो थ्री लैक बर्ड्स थी उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया एंड ये पता चला कि टोटल थ्री सिक्सटी वन स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की केरला में एंड उनको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जैसे कि देर आर समर्ड्स वो आर वेरी रेयर यू नो देम आर रेयर कुछ कॉमन है कुछ वेरी कॉमन है कुछ अबंडेंट हैं तो इस तरीके से हर बर्ड को उसकी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया ना ये जो पूरा का पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया है इसके लिए केरला को बेसिकली फोट फोर थाउजेंड ग्रिड्स के अंदर स्प्रेड किया गया और हर एक ग्रिड के अंदर यू नो रैंडम सैम्पलिंग की गई डाटा कलेक्ट किया गया एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा केरला के लिए ये बर्ड एटलिस तैयार किया गया इसे लेकर केरला के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स ने ये भी कहा कि ऐसा ही बर्ड एटलस 2025 से लेकर 2030 के बीच में भी प्रिपेयर किया जाएगा क्योंकि इससे पहले बार 2015 से लेकर 2020 की स्टडी थी तो अब नेक्स्ट कब होगा 2025 थाउजेंड टू टू और ने कहा कि इससे हमें पता चलेगा कि कितना सिग्निफिकेंट चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ बर्ड्स उनका हैबिटेट पैटर्न क्या है ओवर अ डिकेड पूरे एक डिकेड का हम यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं इसी के साथ साथ जो केरला बर्ड एक्लस का जो सर्वे था हर साल इसे दो पीरियड्स के टाइम पे कंडक्ट किया गया ड्राई एंड वेट सीज़न एंड यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन निकलती है कि जो बर्ड स्पीशीज़ का काउंट था इट इज़ मच हायर ड्यूरिंग ड्राई सीजन देन ड्यूरिंग वेट सीज़न तो वेट सीज़न के कंपैरिजन में ड्राई सीजन में केरला के अंदर ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है इसके अलावा केरला के अंदर जो स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी मेजर किया गया और ये निकल के आया कि केरला के अंदर स्पीशीज़ रिचनेस एज वेल एज स्पीशीज़ इवेनेस हायर है अगर हम नदरन केरला और सेंट्रल केरला की के बात करें एज़ कम्पेयर टू सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीशीज़ uh, रिचनेस और स्पीशीज़ इवेनेस का मतलब क्या है Uh, दोनों के दोनों बेसिकली दीज आर मेजर टू कंपोनेंट्स जिनके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं आप अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेज में इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं अंडर द मेजरमेंट ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी ना अगर मैं बिल्कुल सिंपली बात करूँ स्पीशीज़ रिचनेस क्या है यू नो इट रेफर्स टू द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक पर यूनिट एरिया के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर इसे हम क्या कहते हैं स्पीशीज़ रिचनेस लेकिन जब हम इवननेस की बात करते हैं तो इवननेस में हम अबंडेंस देखते हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके कितने इंडिविजुअल्स वहाँ पे हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि स्पीशीज़ रिचनेस बहुत है तो इसके अंदर हमने सिर्फ ये देख लिया कि चाहे कोई अलग स्पीशी है अगर उसका कोई एक इंडिविजुअल भी उसमें आ गया तो उसे हम ऐड कर लेते हैं किसके अंदर स्पीशीज़ रिचनेस के अंदर बट इवननेस में हम बैलेंस देखते हैं अगर हमारे पास इवननेस कम है इसका मतलब देर आर सर्टन स्पीशीज़ जो कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में डोमिनेट कर रही हैं कुछ ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके इंडिविजुअल ज़्यादा हैं लेकिन अगर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और सभी के इंडिविजुअल्स वहाँ पे ज़्यादा हैं तो ऐसे केस में क्या होगा हमारी जो इवननेस है उसका नंबर भी हाई होगा तो दो चीज़ें आ गई। रिचनेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखते हैं वेर एज इवननेस के अंदर उस स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं और सबके साथ उसका बैलेंस क्रिएट किया जाता है तो ये दोनों ही पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं टू तो मेजर बायोडाइवर्सिटी एंड जिसको लेकर ये कहा गया कि केरला का नदरन और सदरन जो एरियाज़ हैं अगर उनको कंपेयर करें तो नदरन एंड सेंट्रल केरला के अंदर स्पीशीज़ रिचनेस स्पीशीज़ इवेननेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सदर्न केरला इस तरह के जो डाटाज इस तरह जो एटलिस के जो एटलिस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं द आर वेरी हेल्पफुल जब हम इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस को समझते हैं बिकॉज एक्चुअली में हमें पता चलता है कि स्पीशीज़ किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है एंड ऑल्सो जब भी कंजर्वेशन मेजर्स की बात आती है तो ऐसे डाटाज एक साइंटिफिक बेस बनाते हैं टू मेक सच पॉलिसीज टू मेक सम मेजर्स जिसके थ्रू हम ऐसी स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकें एक और चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे इस सर्वे के दौरान जो माइग्रेटरी uh, स्पीशीज़ जब यहाँ से पास करती हैं उन्हें इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है तो केरला बर्ड एटलस के अंदर जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से मूव करके आसपास के स्टेट्स में जाती हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है एंड केरला बर्ड एटलिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक तो ये कि ये इंडिया का पहला ऐसा एटल्स है जो कि यू नो स्टेट लेवल पे प्रिपेयर किया गया है और साथ ही में ये कहा जा रहा है कि ये एशिया का भी लार्जेस्ट बर्ड एटलिस है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एक्सचेंड जितने बड़े एरिया में इसे कंडक्ट किया गया है उस हिसाब से ये एशिया का भी लार्जेस्ट बर्ड एटलिस बनता है आ, इसके लिए जिस लेवल के सैम्पलिंग एफर्ट्स किए गए हैं और जिस तरह से स्पीशीज़ को कवर किया गया है सो इट इज़ प्रॉबेबली एशियाज़ लार्जेस्ट बर्ड एटलिस एस वेल सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश से है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर टू विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना मेजर ऑयल डीलिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो विलेज़स हैं जो इन्हीबिटेंट्स हैं उनको डिसप्लेस किया जा रहा है वेल इसे लेकर न्यूज़ ये आई है कि ये जो विलेजेस हैं दे आर मेनली मुदुका नाला एंड सम्पोई टू एंड दे आर इन्ेबिटेड मेनली बाय चकमास एंड दी दोरी कम्यूनिटीज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड जिसकी वजह से न्यू दिल्ली बेस्ड चकमा डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने एन को अप्रोच किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड वहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मेजर ऑयल लिनिंग प्रोजेक्ट उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा दोज पीपल आर डिनाइड टू तो रिसीव द कंपनसेशन नो यहाँ पे कंपनसेशन बहुत ज़रूरी है जब भी Uh, कहीं पे लैंड एक्वायर होता है कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वी हैव राइट टू फेयर एंड फेयर कंपनसेशन जैसे कि इंडिया में 2013, वी हैव लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013 एंड उसके अकॉर्डिंगली देर अ प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस जिसके थ्रू वी गेट राइट टू यू नो प्रॉपर फेयर कंपनसेशन नाउ चकमा कम्युनिटी को लेकर आपको ये पता होना चाहिए दैट यू नो दे आर बेसिकली एथनिक पीपल हु लिव्ड इन चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहते थे विच वॉज मेनली लोकेटेड इन बांग्लादेश एंड चकमा प्रिडामेंटली बुद्धिस्ट हैं और अगर हम देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेस्ट बंगाल बांग्लादेश और म्यांमार इस पर्टिकुलर एरिया में ये एथनिक पीपल चकमास हमें मिलते हैं पहले ये यू नो नाइनटीन सिक्सटी में दे व पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ नाउ योर बांग्लादेश एंड उस टाइम पे दे केम टू इंडिया एंड दे सेटल्ड इन अरुणाचल प्रदेश नाइनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव के टाइम पे ये अरुणाचल प्रदेश में आकर सेटल डाउन हो गए ना इसका बड़ा रीज़न ये है कि बांग्लादेश के अंदर जब आ, कप्ताई डैम की डेवलपमेंट हो रही थी ऑन कर्ण रिवर बांग्लादेश में एक रिवर है कर्न फूली एंड उसके ऊपर जब कप्ताई डैम बन रहा था तो उस टाइम पे चकमास लॉस तेयर लैंड एंड जिसके बाद दे फ्लैट टू इंडिया एंड इसे लेकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन आती है दैट सेंटर uh, जो चकमाज हैं जो इंडिया में आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश ड्यूरिंग 1964 सिक्सटी टू सिक्सटी इंडिया उनको सिटीज़नशिप ग्रांट करेगा ये 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था हाउ इसके बाद हमारा सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है ट्वेंटी जिसने बेसिकली हमारा सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 जो है उसे अमेंड किया था

हाउएवर दो चकमास हैं दे डो नाट डायरेक्टली कम इन टू दम्बिट ऑफ सिटीजनशिप अमेडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन रीजन बिंग अरुणाचल प्रदेश इज अमंग दो स्टेट विच आर एग्जेप्ट्राम सिटीजनशिप अमेनमेंट एक्ट वाई बिकॉज यहाँ पे एक इनर लाइन परमिट है विच रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स एंड इस आर्टिकल के अंदर भी इसी पूरी चीज़ को स्टेट किया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसे मेजर्स ना लें जिसके थ्रू जो चकमाज हैं दे आर इविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स तो ये पूरा का पूरा जो इशू है ये एन के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रेज किया गया है आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया चाइना बायोलिट्रल ट्रेड से रिलेटेड है इस न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया कि इंडिया की डिपेंडेंस चाइनीज़ गुड्स के ऊपर चाइनीज़ इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड लास्ट ईयर इंडिया ने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है हमने जो टोटल इंपोर्ट चाइना से किए हैं दैट हैज़ क्रॉस्ड 97.5 बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर एंड जिसकी वजह से जो बायोलिट्रल ट्रेड है वो भी फर्स्ट टाइम 100 बिलियन डॉलर्स का मार्क क्रॉस किया है और पिछले साल ये 125 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना जिसमें से 97.5 बिलियन डॉलर्स का जो पार्ट है वो इंडिया ने इंपोर्ट किया फ्रॉम चाइना एंड इसी के साथ साथ जो ये रिकॉर्ड इंपोर्ट हमने किया है चाइना से इसने हमारा और चाइना के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है उसे भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया राधा ये ऑल टाइम हाई ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में अब क्रिएट हो चुका है क्योंकि आप खुद देख सकते हो 125 बिलियन टोटल ट्रेड में 97.5 सेवन पॉइंट फाइव बिलियन हमने सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट किया है फ्रॉम चाइना सो इट इज़ शोइंग दैट द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन चाइनाज यू नो गुड्स एंड चाइनाज इम्पोर्ट्स हैज़ डीपेंड एंड अलॉट जो कंपोनेंट्स इस इंपोर्ट के हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं वाइड रेंज ऑफ कम्पोनेंट्स हैं फ्राम केमिकल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू ऑटो कंपोनेट्स एंड इवन टू टेक्सटाइल्स ऑल्सो जो हमने इम्पोर्ट्स किए हैं उसमें दोनों चीज़ें इसमें फिनिश्ड गुड्स भी हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं इंटरमीडिएट उन गुड्स को कहा जाता है जिसको आप अल्टीमेटली यूज़ करके एक फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं तो या तो कंप्लीटेड गुड्स हम मंगा रहे हैं जिनको हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट गुड्स को भी इम्पोर्ट किया गया है इंटरमीडिएट uh, गुड्स के अंदर या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में uh, सबसे ज़्यादा केमिकल्स को इम्पोर्ट किया गया है चाइना से इसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग ग्रोथ शो की है एंड केमिकल्स में भी एसिटिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जिसका एट फोल्ड मोर इम्पोर्ट किया गया है फ्रॉम चाइना ना अगर हम इसका रीज़न देखें कि एकदम से हमारा जो इम्पोर्ट है चाइना से वो इतना इंक्रीज़ क्यों हो गया तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो थी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्राम चाइना वो इंक्रीज़ हुई आ, इंडिया के डिमांड फॉर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वो बढ़े जिसकी वजह से इम्पोर्ट हुए और साथ ही में Uh, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही थी एंड uh, जिसकी वजह से इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स थे वो इंक्रीज हो रहे हैं नाउ क्योंकि इंडिया के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए इसको लेकर बहुत ही क्रूशियल इंटरमीडिएट गुड्स की ज़रूरत पड़ी एंड जिसकी वजह से उनको सोर्स किया गया फ्रॉम चाइना इन अ वेरी शॉर्ट टर्म वे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो यू नो कोकिंग कोल है इसको यूजली ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से लिया जाता है लेकिन क्योंकि एकदम से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो चुका है तो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए क्विकली फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस चाइना से भी इस बार आ, कोकिंग कोल को लिया गया है जिसको कि पहले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से ही प्रोक्योर करते थे नाउ ये न्यूज़ उस टाइम पे आ रही है जब हम आ, एक तरफ डिस्कस करते हैं कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पे हमारे जो अनरिजोल्व क्राइसिस हैं वो अलग चल रहे हैं उसके अलावा अब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है तो इसको लेकर आ, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये सस्टेनेबल है एक तरफ इतना बड़ा बाइलेट्रल ट्रेड चाइना के साथ में होना और हम उस ट्रेड में डेफिसिट हैं डेफिसिट मतलब हम चाइना से ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वॉट वी आर गिविंग टू चाइना वॉट वी आर एक्सपोर्टिंग टू चाइना ना यहाँ से ये भी क्वेश्चन आया है कि वी नीड टू डिफ्रेंशिएट हमारी जो डिपेंडेंसी है हमें उसे समझना होगा ना जो कि इस रिपोर्ट में प्रेजेंट किया गया है कि इंडिया चाइना से दोनों तरह के गुड्स मंगा रहा है फिनिश्ड गुड्स भी मंगा रहा है और इंटरमीडिएट गुड्स भी मंगा रहा है ना सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि भाई इंडिया अगर फिनिश्ड गुड ज़्यादा मंगा रहा है फॉर एग्जाम्पल चाइना से टॉयज़ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं फर्नीचर्स आ रहे हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है दिस इज़ नॉट अ गुड डिपेंडेंसी क्यों इसका मतलब हम ये शो कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में बन सकती हैं हम उसके उसको छोड़कर चाइना से चाइना के ऊपर डिपेंड हो गए हैं फॉर फिनिश गुड इज़ वेल तो ये एक अच्छी बात नहीं है हालांकि अगर हम ये देखते हैं कि इंडिया फिनिश्ड गुड्स मंगा रहा है तो ये एक अच्छा साइन है इसका मतलब ये है कि इंडिया एक मैनुफैक्चरिंग हब के जैसे उभर रहा है और कंट्री में एक गुड तैयार करने के लिए अगर उनको कुछ फिन इंटरमीडियट गुड्स की ज़रूरत पड़ भी गई तो वो हमने चाइना से मंगा लिया एंड उसके अंदर हम वैल्यू ऐड करके अपना अल्टीमेटली एक यू नो फाइनल गुड प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स के लेवल इंक्रीज़ होता है सो दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव फॉर इंडियाज़ मैनुफैक्चरिंग लेकिन अगर फिनिश गुड्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ नॉट गुड थिंग फॉर इंडियाज़ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑल्सो यहाँ पे ये भी समझना होगा कि ये जो ट्रेंड आया है जो नंबर आया है क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से जो नॉर्मेलिसी थी जो नॉर्मल सप्लाई चेन थी वो ब्रेक हुई तो पैंडमिक की वजह से शॉर्ट टर्म अगर हमने कोई चीज़ें चाइना से मंगाई हैं तो उसका रिज़ल्ट अलग है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है वो देखना होगा एंड किस तरह हम इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें ताकि हमारी ओवरऑल डिपेंडेंस चाइना के ऊपर रिड्यूस हो इस पूरे इशू को अब हमें ध्यान में देना होगा आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ अफ़गानिस्तान से है अफ़ग़ानिस्तान जहाँ पे लास्ट ईयर अगस्त में तालिबान दोबारा पावर में आते हैं ये जो तालिबानी गवर्नमेंट है इसे अभी तक किसी भी कंट्री ने रिकगनाइज़ नहीं किया है इस्पेशली क्योंकि इससे पहले जब नाइनटीन एंड टू के दौरान अफग़ानिस्तान में तालिबान जब पावर में आए थे दे व वेरी नटोरियस फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एस्पेशली विद रिस्पेक्ट टू व्यूमेन तो जिसकी वजह से अभी तक तालिबान की जो गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म की है अफ़गानिस्तान में इसे किसी ने भी रिकगनाइज़ नहीं किया है तालिबान के इस टेक ओवर के बाद अफ़गानिस्तान की जो यू नो कंडीशन है जो ह्यूमान सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिटरिट हो रही है इस्पेली जब वहाँ पर इंटरनेशनल एड एकदम से बंद हो जाती है जैसे ही यू नो तालिबान ओवर करते हैं uh, साथ ही में इनकी जो अफ़गान सेंट्रल बैंक के अंदर नाइन पॉइंट फाइव बिलियन यूएस डॉलर्स जो थे उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू यू अफगानिस्तान के अंदर जो हंगर है दैट्स गोइंग टू अफेक्ट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द अफगानिस्तानी पॉपुलेशन जिसे लेकर अब तालिबान की पहली बार एक ऑफिशियल टॉक ऑफिशियल विज़िट होने वाली है नॉर्वे ओसलो में Uh, जिसे औसलो टॉक भी कहा जा रहा है एंड इसका जो बेसिक uh, है दैट इज़ गोइंग टू बी यू नो इट्स गोइंग टू फोकस ऑल ऑन ह्यूमन राइट्स एज वेल एज द्यूमैनटेरियन एड जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त प्रॉवर्टी क्राइसिस चल रहा है ये पूरी डीपनिंग सिचुएशन के लेकर औसलो के अंदर इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होने वाली है जिसके अंदर नॉर्वे uh, और उसके अलाइड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी इटली यूएस ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे एंड ये भी कहा जा रहा है कि ऑफ़िशियल्स के साथ साथ टॉक के अंदर जो अफगान की जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ भी बात की जाएगी इस पूरे इशू को लेकर नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह की अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से हम वहाँ पे चल रहे ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते We need to do डू यू नो needful ताकि वहाँ ये जो poverty crisis चल रहा है वो वहाँ से uplift हो सके तो ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि तालिबानी government तालिबानी official यूरोपियन uh, soil पे जाने जाएंगे after they have seized the power in Afghanistan आगे बढ़ते हैं हमारी next news सीरिया से है जहाँ पे Islamic state और कुर्द forces के बीच में एक deadly fight चल रही है जिसके चलते मोर देन सेवेंटी पीपल हैव लॉस देर लाइफ इज वेल ना सबसे पहले समझते हैं कि कुड्स कौन हैं एंड ये पूरा का पूरा इशू क्या है इसे देखते हैं सो कुड्स बेसिकली वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दे आर लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप तकरीबन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव मिलियन पॉपुलेशन है कुड्स की एंड दे आर कॉल्ड एज स्टेट लेस ग्रुप मेजॉरिटी जो कुर्दिश पीपल हैं उनमें हमारे पास सुन्नी मुस्लिम डोमिनेट करते हैं बट बाकी फ़ेथ के साथ जुड़े हुए लोग भी कुड्स कहलाते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव सर्टेन सूफिज़म के कुछ फ़ेथ के भी लोग हैं यहाँ पे मिस्टिकल प्रैक्टिसेस के लोग भी यहाँ पे हैं बट ज़्यादातर यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम रहते हैं अगर हम एरिया देखें जहाँ पे जो कुड्स हैं वो सिचुएटेड हैं जहाँ पे वो रहते हैं तो काफ़ी बड़ा रीजन ये कवर होता है यहाँ पे सबसे पहले जो आपका सदर्न और ईस्टर्न टर्की है देन हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया भी यहाँ पे कवर हो जाता है देन वी हैव दी नदरन इराक एज वेल ईरान का भी जो uh, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है देन इवन टिल आर्मेनिया जॉर्जिया कजाकिस्तान लेबनन यहाँ पे भी ये ट्रेसिस के अंदर प्रजेंट है uh, कुड्स की एक रेपूटेशन है दैट दे आर वेरी फेयरलेस फाइटर्स एंड इसीलिए बहुत सारी आर्मीज़ के अंदर भी इन्होंने सर्व किया है नाउ कुर्द को कभी भी एक नेशन स्टेट का स्टेटस नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर इराक इराक़ में वहाँ पे जो रीजनल गवर्नमेंट है वो इराक़ के एरिया को इराकी कुर्दिस्तान कहती है लेकिन इसके अलावा जो बाकी के एरियाज़ हैं वहाँ पे कुरस को एक नेशन के अंदर स्टेट स्टेटस नहीं मिला आ, याद रखिएगा कुर्दिस्तान जब टर्म आती है तो इसके अंदर फाइव डिफरेंट रीजनस आते हैं सबसे पहले कंट्रीज़ याद रखेंगे टर्की सीरिया इराक ईरान एंड आर्मेनिया ये जो फाइव कंट्रीज़ हैं इनके इस रीजन्स को मिलाकर हमारे पास बनता है कुर्दिस्तान ना अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ट्वेंटी uh, सेंचुरी की शुरुआत में uh, जो कुड्स थे दे स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स कि उनका एक होमलैंड वो क्रिएट करें और जिसको वो नाम देंगे कुर्दिस्तान एंड इसे लेकर नाइनटीन ट्वेंटी में आ, ट्रीटी ऑफ सिवेयर्स भी होती है ये आ, एक सीरीज ऑफ़ ट्रीटीज़ थी जिनके अंदर यूनो जो सेंट्रल पावर्स थी देट आफ्टर दे डिफ़ीट आफ्ट इन वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन की डिफीट के बाद ए साइन एंड इन्होंने आउटलाइन किया कि किस तरह से जो ऑटोमन एम्पायर है उससे डिजोल्व किया जाएगा और एक ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान क्रिएट किया जाएगा लेकिन तीन साल बाद आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर जो वेस्टर्नलाइज थे उन्होंने अपनी जो डिमांड थी उसे ड्रॉप कर दी ये जो इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट बनाने की जो डिमांड थी इट वाज ड्रॉप्ड एंड जो कुर्दिश रीजन था वो बहुत सारी कंट्रीज़ इन फाइव कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड हो गया ना ये जो कुरदिश्तान का जो इशू है आ, उसको लेकर टर्की और सीरिया काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं आ, जैसे कि 2019 में ये न्यूज़ आई थी कि आ, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो यू एस ट्रूप्स थे उन्हें जो नदरन सीरिया का जो बॉर्डर था वहाँ से हटा दिया गया एंड ये कहा जा रहा था कि इसकी वजह से जो टर्की है नाउ दे कैन लॉन्च एन ऑफेंसिव अटैक टूवर्ड्स द गुरदिश फोर्सेज जिसको टर्की अपना एनिमी समझता है नाउ यहाँ पे टर्की क्यों अटैक करता है पहले ये समझते हैं टर्की के दो गोल्स हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया है पहली बात वहाँ पे जो कुर्दिश मिलिशिया है उसको वहाँ से हटाना क्योंकि दे एक्ट एज़ अ थ्रेड टूवर्ड्स टर्की एंड ऑल्सो टर्की से कुछ रेफ्यूजीज़ अराउंड टू मिलियन रेफ्यूजीज़ जो टर्की में प्रेजेंट हैं जो सीरिया से आए हैं उनको दोबारा सीरिया के अंदर सेटल डाउन किया जा सके एंड uh, कुर्दिश फोर्सेस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि uh, काफ़ी देर तक इनको अमेरिका का अलाई भी कहा जाता रहा है बिकॉज दे हैव फॉट अगेंस्ट बोथ इस्लामिक स्टेट के साथ करदिश फोर्सेस की लड़ाई रही है बिकॉज दे आर बिंग बैक्ट बाई यू एस ए एंड ऑल्सो सीरिया के प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट बशर अल असद के खिलाफ भी कुर्दिश फोर्सेज लड़ती रही हैं एंड दे आर बीन गिवन प्रॉपर सपोर्ट एंड बैक फ्रॉम यू एस ए जिसकी वजह से आज ये न्यूज़ आई है इवन दैट जो कुर्द फोर्सेस हैं और जो इस्लामिक स्टेट हैं इनकी सीरिया के अंदर एक डेडली फाइट चल रही है तो ये पूरा का पूरा जिस तरह का एक क्योस जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसके अंदर इस्लामिक स्टेट के को भी अपनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो किस तरह से खुद को रिवाइव कर सकते हैं सीरिया में जिसकी वजह से सीरिया से ये न्यूज़ आई है कि इस्लामिक uh, स्टेट और जो कुर्द फोर्सेस हैं दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है I hope you guys enjoyed this lecture. So, that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.